भारत सरकार एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पिछले महीने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की घोषणा की गई है। इस परिणाम में बालाघाट नगर पालिका नेशनल रैंकिंग में 22वें नंबर से सीधे 73वें नंबर पर पहुंच गई है, जबकि स्टेट लेवल रैंकिंग में बालाघाट शहर 2 नंबर से सीधे 35वें नंबर पर पहुँच गया। यानी कि 1 लाख की आबादी वाले शहर के अंतर्गत बालाघाट शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में तगड़ा झटका लगा है। इस समय मैं नगरपालिका प्रशासन के कांजी हाउस केंद्र में हूँ और आप मेरे बाई ओर ये तस्वीरें देख रहे हैं। कांजी हाउस केंद्र को नगरपालिका प्रशासन के द्वारा अपनी मनमानी और लापरवाही के चलते कचरा संग्रहण केंद्र के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि नगरपालिका के जो सफाई कर्मचारी है वो शहर से निकलने वाला अधिकांश कचरा डंपिंग ग्राउंड ले जाने के बजाय इसी कांजी हाउस केंद्र में, यानी कि शहर के बीचों बीच, एक ओर जहां हनुमान मंदिर है तो दूसरी ओर नगरपालिका के इसी कांजी हाउस में शिवजी का मंदिर है, इसी मंदिर के इर्द गिर्द भी सेंटर में ही इस कचरे को संग्रहित किया जा रहा है। लोगों में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ यहाँ पर कि मैं तो चाय पीने के लिए आया हूँ, लेकिन इतनी बदबू आ रही है यहाँ पर कि सही में खड़े रह रहे और बैठने की इच्छा नहीं हो रही कि कहाँ गलत जगह में आ गया आदमी। ऐसे कूड़े का ढेर होता है ना, वैसी जगह बन गई, इतनी बदबू आ रही है। और यदि किसी को यकीन नहीं तो कोई भी यहाँ आके देख सकता है और उसको महसूस कर सकता है, इतनी बुरी तरह की बदबू है। बताएंगे आपकी यहाँ पर चाय की दुकान है चौपाटी में और यहीं पर बाजू में नगर पालिका के द्वारा कचरा संग्रहण किया जा रहा है, इससे क्या कुछ परेशानी यहाँ पहुँचने वाले ग्राहकों को, आप दुकान चलाते हैं, आपको हो रही है? मेरे द्वारा कम से कम 3 साल से चौपाटी में दुकान चलाई जा रही है। नगर पालिका में शिकायत भी की गई मगर उसका निराकरण नहीं किया। फिर हमें हमारे द्वारा CM हेल्पलाइन में कम से कम 5 से 6 बार कंप्लेंट लिखाई गई मगर CMO साहब किसी अधिकारी को भेज देते हैं और कंप्लेंट कटवाने के लिए बार बार जोर बनाया जाता है और उस शिकायत को कटवा दिया जाता है। फिर भी मात्र 102 बार कचरा उठाते हैं, उसके बाद वापस से वही स्थिति निर्मित हो जाती है। हफ्ते में 1 बार आते हैं, ऐसा रोज भी नहीं आते, ना नली का भी सफा होता, ना यहाँ की रोड झाड़ते, ना यहाँ रोड बन जाता। ये पूरे वार्ड में यही स्थिति है? हाँ, पूरे वार्ड में यही स्थिति है। ये बारिश में तो इतना कीचड़, हम निकल नहीं सकते। अच्छा, ये बताइए फिर कचरा कहाँ फेंकते हैं आप लोग? ये तो दुनिया को फेंकते सामने। ये नगरपालिका प्रशासन का गैरेज है, यहाँ पर अधिकांश शहर में चलने वाली सफाई गाड़ियों का मेंटेनेंस कार्य होता है, लेकिन मेंटेनेंस किस लेवल का होता है यहाँ के गैरेज प्रभारी से हम जान लेते हैं। क्या नाम आपका? पुनाराम राणा। पुनाराम भैया, कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए आती है महीने में और वर्तमान में कितनी गाड़ियाँ खराब अवस्था में है? मेंटेनेंस के लिए लगभग पूरी गाड़ियाँ आती है, लेकिन अभी जो क्या है, बहुत पुरानी जो गाड़ियाँ है जिसमें ज़्यादा मेंटेनेंस में खर्च आ रहा है वो गाड़ियाँ खराब खड़ी है। ऐसी कितनी गाड़ियाँ है नगरपालिका प्रशासन की इस समय जो खराब पड़ी हुई नज़र आ रही है आपको? वर्तमान में 6 गाड़ियाँ है। 6 गाड़ियाँ, जिसमें 2 गाड़ियों का काम सुधार कार्य चल रहा है जो कंपनी स्तर पर होगा, भोपाल यानी अपना छिंदवाड़ा जाएगी। अच्छा, और जो 10 साल 15 साल पुरानी जो गाड़ियाँ हो गई है जिसमें ज़्यादा खर्च हो रहा है उन गाड़ियों को खड़ी कर दी। वार्ड बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लगता है घूमने, 3 दिन लगता है वार्ड पूरा घूमने। तो तीन दिनों तक आप 1 दिन का कचरा 3 दिनों में निकालते हैं? हाँ, एक टाइम जैसे आज एक एरिया का लिए, दूसरे दिन दूसरा एरिया का लिए, इसलिए समय लगता है बहुत। अच्छा, तो 1 दिन में आप कितने राउंड लगाते हैं? दो राउंड। तो 2 राउंड में कचरा पूरा निकल जाता है वार्ड नंबर 1 का? पूरा नहीं निकलता सर, एक तरफ का कोई भी पट्टा निकलेगा। तो क्या लगता है कितनी गाड़ियों की आपको जरूरत महसूस होती है, वहाँ कितनी गाड़ियाँ चलनी चाहिए जिससे कि शहर का कचरा निकलेगा? दो गाड़ी चलना चाहिए कम से कम, 2 गाड़ी। तो ये सफाई कर्मचारी है, ट्रैक्टर के ड्राइवर है, जो कि शहर में जो निकलने वाला कचरा है उसे उठाकर यहाँ पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र में लाते हैं। इनका कहना है कि बालाघाट शहर की आबादी अब पहले से काफ़ी अधिक बढ़ गई है और इस आबादी के लिहाज से उन्हें जो एक ट्रैक्टर वाहन दिया गया है सफाई के तौर पर, इससे संभव नहीं है। वार्ड नंबर 1 में ये अपनी गाड़ी लगाते हैं, लेकिन इन्हें ये 3 दिन लग जाते हैं एक वार्ड की सफाई में ही, बाकी के 2 दिनों का जो कचरा है फिर से जमा हो जाता है। तो कुछ इस तरह का आलम वार्ड नंबर 1 में देखने मिल रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बालाघाट शहर के 33 वार्डों में सफाई को लेकर क्या कुछ स्थिति निर्मित होती होगी। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे बालाघाट शहर के लिए कि हम 2 नंबर से 35वें नंबर पर चले गए हैं, जबकि बालाघाट नगर पालिका में भारी भरकम अमला है स्वास्थ्य विभाग में, ज़रूरत से अधिक कर्मचारी होने के बावजूद ये हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य विभाग के सभापति और स्वास्थ्य विभाग के जितने अधिकारी हैं सबकी विफलता है।
उनकी कचरा प्रबंधन नीति अच्छी नहीं है, उनकी लेबर आवंटन नीति अच्छी नहीं है, ना कचरा वाहन के आवंटन की नीति है। जब तक भेदभाव पक्षपातपूर्ण रवैया चलते रहेगा, बालाघाट की रैंकिंग इसी तरह पिछड़ते चलेगी। ये तो अच्छा हुआ कि इस बार जमीन स्तर पर सर्वे होने दिए हमने, भोगस सर्वे को रोके, नहीं तो इसके पहले जो रैंकिंग मिली थी वो भी भोगस थी। वो एक व्यवस्था बनाई जाती है नोडल अधिकारी के द्वारा और सिर्फ फोटो सेशन की जाती है। इस बार हमने ये सब नहीं चलने दिया करके ये वस्तु स्थिति सामने आई है निकल कर, और जमीनी हकीकत का सर्वे हो जाए तो और पीछे जाएंगे अपन। आपने भेदभाव का आरोप लगाया है, किस तरह का भेदभाव यहाँ पर हो रहा है नगर पालिका परिषद बालाघाट? मेरा बार बार नगर पालिका अध्यक्ष जी से निवेदन किया हूँ मैंने डेढ़ साल सवा साल में, कि आप भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या के आधार पर वाहन का आवंटन कीजिए, लेबर का आवंटन कीजिए। 4000 का जो वार्ड है वहाँ पर भी 3 लेबर है, और 1200 का जहाँ वार्ड है वहाँ पर भी 3 लेबर है। ये एक पक्षपातपूर्ण रूप है, और न तुम्हारी नीति अच्छी है। जनसंख्या के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर जब कचरा गाड़ी और लेबर आवंटित होंगे तो बालाघाट शहर में जरूर कुछ ना कुछ सुधार होगा। तो ये बालाघाट नगर पालिका परिषद के नेता प्रतिपक्ष कारो लिल्हारे हैं, जिन्होंने नगर पालिका परिषद बालाघाट पर गंभीर आरोप लगाया है। लेबर आवंटन से लेकर गाड़ियों के आवंटन में काफ़ी कमियां हैं, और इसी कमियों के चलते जो है नगर पालिका परिषद को भौगोलिक स्थिति पर, जो भौगोलिक लेवल पर जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है उसमें तगड़ा झटका लगा है। इसके पहले की रैंकिंग पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। 2021-22 की जो रैंकिंग थी बालाघाट की, उसे इन्होंने बोगस करार दिया है, क्योंकि उस समय ऐसा माना जा रहा है कि भौगोलिक लेवल पर किसी भी तरह से स्वच्छ सर्वेक्षण नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इस बार की रैंकिंग में बालाघाट सीधे 2 नंबर से 35वें नंबर के पायदान पर पहुंच गया है। ये सही है कि बालाघाट नगर स्टेट लेवल पर 2 नंबर से खिसक कर 35वें नंबर पर गया है, जिसमें कई तरह की जो तैयारियाँ थी वो हमारी पूर्ण नहीं हो पाई हैं, जिसमें लीगेसी वेस्ट एक बड़ा फैक्टर था, जिसके मार्क्स में नहीं मिल पाए हैं। उसका कारण थोड़ा सा इंजीनियर की लापरवाही रही है, जिसके लिए उन्हें शासन स्तर से भी नोटिस दिए गए हैं, हमारे स्तर से भी दिए गए हैं। बाकी सर्वेक्षण इस बार का थोड़ा ज़मीनी रहा, अगर ये सर्वेक्षण ज़मीनी रहता है तो इसमें नो डाउट रैंकिंग थोड़ी पीछे होती है, और मुझे लगता है इससे पहली बार जो सर्वेक्षण हुआ है वो उतनी ज़मीनी स्तर पर नहीं हो पाया होगा, इसीलिए हमारी रैंकिंग पीछे रही है। डोर टू डोर कलेक्शन को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं, गाड़ियां नहीं है नगर पालिका के पास, ऐसी जानकारी आ रही है जो गाड़ियां है अवेलेबल वो काफ़ी तादाद में ख़राब है, आपकी गैरेज में पड़ी हुई है, इसकी वजह से कलेक्शन भी ठीक से नहीं हो रहा है, ये भी एक जानकारी आ रही है, इसको लेकर क्या तैयारी है नगर पालिका की ओर से? अभी हमने नई चार गाड़ियों का वर्क ऑर्डर दिया है पिछले 7 फरवरी को, जो कि 6 से 7 दिनों में आ जाएंगी। इसके अलावा हमने 12 गाड़ियों का और टेंडर लगाया है, वो जो फरवरी लास्ट तक हमें मिल जाएंगी। निस्संदेह यहाँ पे गाड़ियों की स्थिति काफ़ी ख़राब है, और उनके रिपेयरिंग पर जो खर्चा होता है वो मुझे लगता है शायद उनके जो रेट हैं उनसे भी ज़्यादा निकल गया है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें देखा जाता है कि ज़्यादा रिपेयरिंग पर खर्चा ना किया जाए, बशर्ते कि नए गाड़ी ली जाएँ। लेकिन उपयंत्री और जो टेक्निकल स्टाफ है उनकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये गाड़ियाँ खरीदने में विलम्ब हुआ, हम ये गाड़ी ले लेंगे तो हमारी व्यवस्था सुधर जाएगी। शहर की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, 1 लाख की आबादी वाले शहरों में बालाघाट को गिना जाता है, इस लिहाज से आपको क्या महसूस हो रहा है, कितनी गाड़ियां प्रॉपर ढंग से चलना चाहिए जिससे कि जो गार्बेज है या फिर अन्यत्र कूड़ा है वो उठकर सीधा ट्रिंचिंग ग्राउंड तक पहुंच सके? मेरे हिसाब से बड़े वार्डों में 2 गाड़ियाँ होनी चाहिए, और छोटे वार्डों में उनमें कम से कम 1 गाड़ी चलनी चाहिए। इस प्रकार से करीब करीब 45 से 50 गाड़ियों की आवश्यकता हमें रहेगी।